assalamu alaikum this is Sayyid Ahmad Gilani and i welcome you to the fourth video in the series of women's writing today in this video we are going to talk about another important book the second sex by Simone de Beauvoir, a french philosopher writer and feminist she was born in 1908 and died in 1986 she is best known for her book the second sex which is considered a seminal work of feminist philosophy Debord was an influential figure in the existentialist movement along with her lifelong partner Jean Paul Sartre. She wrote many other works, including novels, essays, and memoirs, and was an important voice in the French intellectual and literary scene of the mid 20th century. Debord's ideas on gender and social construction have had a significant impact on feminist theory and continue to be widely discussed and debated today. She was also an advocate of uh,

खातिन के साथ जिस किस्म का भी सलूक किया गया है जिस किस्म का बर्ताव किया गया है जो ट्रीटमेंट उनके साथ की गई है वो बहुत ही अनफेयर है सिमॉन डिबो जो है उसने ये किताब लिखी थी 1949 में और उसमें वो आर्ग्यू करती है कि जो खातन जो हैं उनको शुरू से ही आ, बैक चैनल पे रखा गया है और उसकी वजह सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है अब वो ये सोचती है कि जो जेंडर है नाउ दिस पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इन द बुक और स्लाइड्स uh, के बिल्कुल लास्ट में जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं बुक uh, में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं से मोहन डिबोह की वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ तो उसमें ये भी है कि वो ये कहती है कि जेंडर जो है वो uh, पैदाइश के वक़्त क्रिएट नहीं होता मतलब जेंडर इज़ नॉट समथिंग यू आर बॉर्न विद जेंडर ऐसा नहीं है कि जब पैदाश होती है किसी बच्चे या बच्ची की तो उस वक्त उसके जेंडर की भी पैदाइश हो न हो जेंडर की पैदाइश नहीं होती एवरी ह्यूमन बींग इज़ इक्वल एट दैट टाइम लेकिन बाद में ये चीज़ जो जेंडर है वो क्रिएट होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है और उसको कंस्ट्रक्ट कौन करता है उसको सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है उस वो जो ह्यूमन बीइंग जहाँ पर पैदा हुआ है या पैदा हुई है उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसका जेंडर जो है डिटरमिन करते हैं वो उसका जेंडर जो है वो क्रिएट करते हैं सोसाइटी यहाँ पर टीच करती है क्या नॉर्मल है एक वोमेन के लिए एक मैन के लिए एक क्या एब नॉर्मल है एक वमेन के लिए और इसी वजह से ये चीज़ सिर्फ इसलिए होती है कि वमेन को लेस इम्पोर्टेंट बताया जाए या जो वेमेन है उनको लेस इम्पोर्टेंट दिखाया जाए डिबॉ ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे मर्द जो हैं उन्होंने ज़्यादा पावर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेट की हैं और वेमेन को कैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट जॉब्स और जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनसे एक्सक्लूड किया है वो ये समझती हैं कि जो वेमेन हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त असल हकीकी असल और हकीकी आज़ादी मिल सकती है जब वो उन एक्सपेक्टेशंस को जो सोसाइटी को हैं ख़वातीन से वो उनसे साफ साफ इनकार कर दें और वो अपने आप को अपने ही टर्म्स में डिफ़ाइन करें मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को मानने से इनकार कर दें कि जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है या जो सोसाइटी और जो सोसाइटी ने उनके लिए रोल डिटर्मन किए हुए हैं उनको फुलफ़िल करने से वो इनकार करें और वो अपने आप को खुद अपने ही टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो तब जाकर वो एक असल हकीकी आज़ादी हासिल कर सकती है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर यहाँ पे इसी की बात करती है इसी पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट करती है कि सेमॉन्डिबॉ ये कहती है कि जो जेंडर है वो पैदाइश के वक़्त नहीं बनता लेकिन सोसाइटी जो है वो टीच करती है उस जे उस क्रिएशन को जो क्रिएशन डिवेलप uh, होती है पैदा होती है उसको जो uh, उसकी जो डिवेलपमेंट है वो सोसाइटी करती है जेंडर इन्फ्लुंस होता है जेंडर इन्फ्लुएंस ही आपको बताता है कि आपने क्या करना है आपने कैसे एक्ट करना है और कौन से रोल्स जो हैं वो सोसाइटी में प्ले करने हैं ये जेंडर इन्फ्लुएंस है मतलब अगर एक बच्चा या बच्ची पैदा हुई है तो सोसाइटी उसको मेल या फीमेल डिक्लेयर करती है तो मेल को बताया जाता है कि आपके ये रोल्स हैं जो आपने प्ले करने हैं आपने ये करना है आपने ये एक्ट करना है ऑन द अदर हैंड एक बच्ची पैदा होती है वो जब बड़ी होती है तो आ, उस पीरियड में उसको बताया जाता है कि ये कुछ स्पेसिफ़िक रोल्स आपने प्ले करने हैं ये स्पेसिफ़िक एक्ट आपने प्ले करना है इसके अलावा आपने नहीं करना और इस वजह से वो कहती है कि ये इन चीज़ों से क्या होती है कि जो लोगों की चॉइसेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिट हो जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बेस पे कि उनको ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल है इस जेंडर के लिए मतलब जो फीमेल जेंडर के लिए जो चीज़ें नॉर्मल कंसडर की जाती हैं सोसाइटी से वो सोसाइटी उनको बताई बताती है कि आपने सिर्फ ये ये एक्टिविटीज़ करनी है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मल देखी जाती हैं और जो सोसाइटी में उस जेंडर को लेके एब नॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं जैसे कि खातन का मर्दों की तरह घर से बाहर घूमना खवतन का मर्दों की तरह हर जगह पर जा, जाना या खातन का मर्दों की तरह हर डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी मेकिंग में जहाँ पर भी जिस तरह के आ, मर्द काम करते हैं उनको फिर उसकी जब खातन वो काम करने की कोशिश करती हैं तो वो उनको कहा जाता है कि नहीं ये आपके लिए नहीं है ये आ, ये आपके जेंडर रोल में ये नहीं आता या ये नॉर्मल नहीं है डिबॉ दे, जो है वो ये आर्ग्यू करती है कि जो मैन हैं उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा पावर और अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेट की हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से और वो ये कहती है कि हमें जो खातिन हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए इस एक्सपेक्टेशन को लेकर जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी उनसे डिमांड करती है या जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी उनके लिए रखती है उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के बजाय वुमेन को चाहिए कि वो उन एक्सपेक्टेशंस पे क्वेश्चन करे क्वेश्चन करें और अपने जेंडर को रेकगनाइज़ करें कि ये ये रेकगनाइज़ करें कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है वो नेचुरल ट्रेड नहीं है वो कोई कुदरती अमल नहीं है और तब जाकर वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे उस पावर को जो कि इम्बैलेंस है पावर तो मौजूद है लेकिन इम्बैलेंस है जो कि एग्जिस्ट करती है जब उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी इम्बेलेंस पावर उनको समझ आ जाएगी जब वो इसको रियलाइज़ करेंगी तब वो अपने लिए एक बिग चेंज लेकर आ सकती हैं फिर वो द ऑप्रेशन ऑफ वेमेन की बात करती है मतलब जो फर्स्ट स्लाइड्स में हमने मेन पॉइंट्स देखे थे ये उन्हीं को आगे एक्सप्लेन करती है बुक में सेमॉन्ट डेबो ये कहती है कि खवतिन के साथ हिस्ट्री में जो भी सलूक हुआ है जिस किस्म का भी उनके साथ बर्ताव हुआ है वो अनफेयर है वो बर्ताव वो डिज़र्व नहीं करती थी और वो वे आर्ग्यू करती है कि जो वेमेन है जो खातियों उनको हमेशा एज़ कम्पेयर टू मैन लेस इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है उनकी जो अहमियत है वो मर्दों से कम दिखाई गई है और उनको इंपॉर्टेंट जॉब्स और इम्पॉटेंट एक्टिविटीज़ और जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे उनको महरूम रखा गया है उसको एक्सक्लूड किया गया है और फिर वेमेन से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो सिर्फ घर और बच्चों का ख्याल रखेंगी जो घरेलू काम काज है सिर्फ वो वो करेंगी जबकि जो मर्द हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो ज़्यादा पावर और ज़्यादा कंट्रोल जो एक्सरसाइज़ करेंगे पब्लिक लाइफ पर इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं और ख़ोतान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस बिल उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है ना खुतान को रिप्रेजेंटेशन मिली है प्रॉपर और ना उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ना उनको इंपॉर्टेंट जॉब्स मिली हैं तो इस वजह से ये चीज़ पैदा हुई है डिस्पैरिटी पैदा हुई है डिबॉ ये कहती है कि कैसे विमेन को जो खातन है उनको मार्जनलाइज ग्रुप में चेंज किया गया है मार्जिनलाइज ग्रुप बनाया गया है और वो मार्जिनलाइज ग्रुप ने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन फ़ेस किए हैं जैसे कि जेंडर को लेकर रेस को लेकर क्लास को लेकर फिर वो ये बिलीव करती है कि हमें चाहिए ख़ोतिन को चाहिए कि वो इस चीज़ को रेकनाइज़ करें ये सारे मसाइल जितने भी हैं डिस्पैरिटी जो है इसको रेकनाइज़ करें और इनको चेंज करने के लिए ये सारा जो सिनारी है इसको चेंज करने के लिए काम करें ताकि जो मुख्तु किस्म के ऑपरेशन हैं ये ख़त्म हों और उनको इक्वलिटी हासिल हो सके फेमिनिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ये फिर फेमिनिटी uh, की बात करती है वही बात करती है कि जो फेमिनिटी है वो इस पे ये क्रिटिक करती है दिबॉ वो कहती है कि जो फेमनिटी है वो एक नेचुरल ट्रेट है ये इस कर रही है मतलब वो ये कहती है कि ये एक नेचुरल ट्रेट नहीं है क्योंकि ये इसकी क्रिटिक है उसके ऊपर वो ये आर्ग्यू करती है कि जो फेमिनिटी है वो क्या है फेमिनिटी असल में एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है एक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं एक सेट ऑफ बिहेवियर है जो कि वेमन से वेमेन पर इम्पोज किया जाता है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जब वेमेन उनको फुलफ़िल करती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये आपकी फेमिनिटी है अब यहाँ पर वो कहती है कि वेमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नर्चरिंग करेंगी मतलब देखभाल करेंगी सिर्फ वो इमोशनल होती हैं वो सबमेसिव होती हैं मतलब मातहत होती हैं वो कम मानने के लिए पैदा हुई हैं ये जब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो इससे उनकी अपनी चॉइस और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं लिमिट हो जाती हैं अब जब ख़वान जो हैं वेमें जब इन एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्ट करती हैं तो फिर उनको वो इनडायरेक्टली या अनकॉन्शसली फ़ोर्स किया जाता है उनको कि वो इन सेट ऑफ नॉर्म्स को जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं वो उनको मानेंगी और जब वो उनको मानती हैं तो इससे उनका बिहेवियर और उनकी जो एजेंसी है जो उनकी कैपेबिलिटी है जो उनकी एबिलिटी है वो क्या हो जाती है रेस्ट्रिक्ट हो जाती है लिमिटेड हो जाती है मतलब दे आर कन्फाइंड डिबो ये बिलीव करती है कि जो ख़ोतन हैं वो ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है आज़ादी और इक्वालिटी हासिल कर सकती हैं अगर वो ये एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करती हैं और अपने आप को अपने ही टर्म्स में डिफ़ाइन करती हैं इससे वमेन को क्या होगा उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपने आप को फ़्री करें अपने अपने जो लिमिटेड उनका जेंडर रोल है उसको अपने आप, वो अपने आप को उनसे फ़्री करें और एक सही माने में जो इक्वालिटी है उसकी तरफ वो काम करें वेमेंस एजेंसी का यहाँ मतलब है कि जो खातन की अपनी काबिलियत है जो एबिलिटी है जो उनकी कैपेसिटी है जो काबिलियत है सेमान डिबो जो है ख़ीन की इस बात पर जोर देती है कि बल्कि उनकी जो ये एजेंसी है उसकी अहमियत पर जोर देती है और ये कहती है कि उनको चाहिए कि वो अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनके सामने वो रेजिस्टेंस शो करें उनको रिजेक्ट करें वो ये बिलीव करती है कि जो खातिन हैं उनको चाहिए कि वो फेमिनिटी का ये आइडिया रिजेक्ट करें कि फेमिनिटी जो है वो कुदरती तौर पर पैदा की जाती है जो फेमिनन जेंडर है ये कुदरती तौर पर बनाया जाता है इस चीज़ को ये रिजेक्ट करें और अपने आप को अपनी टर्म्स में डिफ़ाइन करें इसका मतलब ये है कि जो खवतन हैं उनको चाहिए कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में अपने चॉइसज़ में फैसले करने में ख़ुद आज़ाद हों और वो जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन उनसे वो बाहर आए जब वो ये करेंगी बाई डूइंग दिस वेमन कैन अचीव ग्रेटर फ्रीडम एंड एकवालिटी And work of जब वो ये करेंगी तो ये खीन जो हैं एक बड़े पैमाने पर पे आजादी हासिल कर सकती हैं इक्वालिटी बराबरी हासिल कर सकती हैं और जो 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 जाल, जो जो निज़ाम है वो, वो खत्म कर सकती हैं ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेमे सोलिडारिटी पर भी जोर देती है कि जो खवतानी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जो है ये जरूरत है और वो उनको यहाँ पे यूनिटी की भी ज़रूरत है और एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है सारी ख़वान का मिलकर एक ही गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करना चाहिए वेमेन जो हैं अगर वो काम करती हैं मिल एक दूसरे को वो सपोर्ट करती हैं और वो डिमांड करती हैं इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो उनका काम जो है वो आसान हो जाएगा कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड सेक्स है ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसमें यह बताया गया है कि जो वेमेन है उनको उनके साथ जो ट्रीटमेंट की है पूरी आ, हिस्ट्री में जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुई है वो बहुत ही अनफेयर है सेमॉन डेबो के जो आइडियाज़ हैं जेंडर और ऑपरेशन को लेकर वो इन्फ्लुएंशियल हैं अभी भी जो इस वक्त भी जो फेमनिज डिस्कोर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है उ, उसका जो एम्फेसिस है वेमेन एजेंसी का वीमेन की एबिलिटी पे और जो उनकी काबिलियत है उन पर और कलेक्टिव एक्शन पे वो अब भी जो है ना कंटेम्प्ररी फेमिनिस्ट मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये जो बुक है वो हाईलाइट करती है इस ज़रूरत को कि ख़वात अपनी इन चीज़ों को पहचानें अब इन चीज़ों को रेकग्नाइज़ करें और ये जितने भी ऑपरेशन हैं उनको रेकगनाइज़ करें और फिर जो है अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन और प्रायोरिटाइज करें अपनी एक जो प्रायोरिटी uh, है उसको सेट करें ताकि वो अपना जो एक गोल है उसको अचीव कर सकें और आखिर में जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उसकी तरफ चलते हैं ये वो सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो इस बुक में ली गई हैं ये अक्सर एज कोर्ड्स भी यूज होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वोमन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द बुक बाय सिमोन मेबो द सेकेंड सेक्स दिस सेंटेंस कैप्चर्स डिबॉस सेंट्रल थीसिस ये आप पढ़ भी लें तो आपको समझ आ जाएगी ये सेंटेंस अब जैसे ही पढ़ते हैं कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट राधर बिकम्स अ वोमन इसका यही मतलब है कि जो फेमिनिटी है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है एक इन नेट करेक्टरिस्टिक नहीं है एक पैदाइशी चीज़ नहीं है रिप्रेजेंटेशन दूसरा देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक द वर्ल्ड इट सेल्फ इज द वर्क ऑफ मैन दे डिस्क्राइब इट फ्राम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू विच दे कन्फ्यूज विद द एब्सोलूट ट्रुथ ये वाला सेंटेंस क्या कर रहा है ये हाईलाइट कर रहा है वो तरीके बता रहा है कि हिस्टोरिकली जितने भी मर्द हैं उन्होंने कैसे वो खुद कैसे जो है वो अपने आप को क्रिएटर्स बताते हैं गेट कीपर्स ऑफ नॉलेज बताते हैं कल्चर और इस वर्ल्ड को जो शेप करने की अंडरस्टैंडिंग है वो खुद वो करते हैं अपने परस्पेक्टिव से द फर्स्ट एंड मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगेंस्ट अप्रेशन इज़ टू रिजेक्ट द टर्म्स एंड वच इज़ प्रपोज टू अस ये वाला सेंटेंस किस बात पे ज़ोर दे रहा है ये इंपॉटेंस ऑफ रिजेक्टिंग दी सोशल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स पे जोर दे रहा है कि जो जिसने खुवान की जो एजेंसी है और उनकी जो काबिलियत है उसको लिमिट किया गया है लिमिट किया हुआ है ये उस चीज़ की रिजेक्शन पर जो है ना वो ज़ोर दे रहा है Man enjoys the great advantage of having a god endorse the code he writes, and since man exercises a sovereign authority over women, it is specially fortunate that this authority has been vested in him by the supreme being Abhyaan pe ye uh, god ke hue uh, jo system hai, religion or divine authority. का बनाया हुआ जो पेट्रॉकल सिस्टम है जिसको लेजिटिमाइज किया गया है बाय रिलीजन ये उस पर क्रिटिक कर रही है कि कैसा कैसे रिलीजन में भी और डिवाइन अथॉरिटी ने भी जो है पेट्रॉकल सिस्टम को लेजिटिमाइज किया हुआ है फिर वो कहती है शी इज डिफाइंड एंड डिफ्रेंशिएटेड विद रेफरेंस टू मैन नॉट ही विद रेफरेंस टू हर शी इज द इंसिडेंटल द इन असेंशियल एज अपोज टू द इस असेंशल ही इज द सब्जेक्ट ही इज द एब्सोल्यूट शी इज द अदर तो ये सेंटेंस खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सेंटेंस हाईलाइट कर रहे हैं वो सारे तरीके जिसमें जो खावीन है उनको हिस्टोरिकली मैन से कंपेयर करते हुए उनको पोजीशन किया गया उनको मार्जिनलाइज्ड किया गया है एज अदर करके और उनको एक अटोनोमस इंडिविजुअल करके पेश नहीं किया गया सो दिस वॉज ऑल अबाउट से मॉन्ड द दैकेंड सेक्स ऑल द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो आई होप यू हैव गॉट इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग